बगैर हेलमेट गए एमपी वाले ने इनको हाथ दिया, ये लोग उल्टे हाथ पे मुड़ गए। मोदी का रसम का पैसे दो मेरे रोड दिख रहे हैं। ये हम वहाँ से पैदल चल चल के आ रहे हैं, और जब मैंने यहाँ पे आके देखा ना, हम लोग तारों के नीचे से पहुँच चुके हैं कश्मीर। भाई एक लकड़ी मुझे मिल गई है और यहाँ पे एक ही थी है। इसको कहते हैं पड़ी हुई लकड़ी लेना। टोटल दिमाग जो है ना टोटल पीछे की तरफ था कि कोई है। उबैद यकीन मान खुदाई कसम रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अजान हो रही है। वो कौन है? Assalamualaikum, once again, welcome back to another vlog. तो भाई आज देख रहे हैं आप नया इंसान, नया चेहरा, नया मुंह। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, मुंह तो वही है, चेहरा थोड़ा सा चेंज हो गया है। जिंदगी में कुछ काम तो बचा नहीं था, बोर हो रहे थे, हमने कुछ नया होना चाहिए, टैलेंट हमारे पास है नहीं, तो जाके हमने कटवा लिए बाल। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जिंदगी में कुछ बचा नहीं था, हमने सोचा इंसान के बच्चे बन जाते, इतने बड़े बड़े जानवरों जैसे बाल हमने यार कटवा देते थे, चलो सेटिंग वेटिंग तो हमारी जिंदगी में होनी नहीं है। आपका मतलब नंबर से फिलहाल जवाब उस टाइम में हम लोग मलेर में घूमने, आप देखिए बाइक आके जा रही है, वो टेंशन ही नहीं भाई, मोबाइल निकाला भाई कैंड पूरा बोलना भूल जाता है, कैंड अंडर आर्मी पूरा बोलो। मलेर यहाँ से जा रहे हैं, देखिए रोड पे ब्लॉग बना रहे हैं चप्पलों के साथ अपने नंगे पाँव। लेकिन हम यहाँ व्लॉग बना रहे हो यार, कोई भी बाइक वाले के आगे साइड में नहीं लगते बोलते निकाल यही यार हाथ में जो मोबाइल दे यही दे यही दे यही दे। हम लोग जो अच्छे लोग हैं पापड़ शापड़ खाते हैं, उस वाले रोड पे घूम रहे हैं इस वक्त हम, और हम समझे ऑर्डर वगैरह हो चुका है, आए यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ से ऑर्डर करेंगे, फिर बंदा आएगा चेक पोस्ट रोड दिख रहे हैं। हम वहाँ से पैदल चल चल के आ रहे हैं, और जब मैंने यहाँ पे आके देखा ना, हम लोग तारों के नीचे से पहुँच चुके हैं कश्मीर। अभी खाना वाना ऑर्डर कर दिया, खाने में लगेंगे अभी 40 मिनट, जब तक हमें क्या करना है भाई, जब तक हमें लगानी है आग, पप्पो वाला काम करना नहीं, छत पे, छत पे आग लगानी है, उसकी भी रीजन है, आगे बताएंगे क्या सीन है। लेकिन आग लगाने के लिए क्या चाहिए होता भाई? लकड़ियाँ, तो हम लोग ढूंढेंगे लकड़ियाँ। फहद है मेरी टीम में, टुलू है आपकी टीम में, देख रहे कब से शो ऑफ कर रहा है फ्रंट पे, जब बैक नहीं रख सकता कैमरा खराब हो जाएगा यार, तो राटे काट रही है ओम तो सीन है, हमें लकड़ियां ढूंढ के लानी है घर पे आग लगाने के लिए। उसके बाद कुछ तीन लकड़ियां अच्छी भाई, वो दोनों ने भी लकड़ियां ढूंढना शुरू कर दिया और हम दोनों ने भी शुरू कर दिया। ये क्या एक मिली वो उस वो भी काम के लिए भाई, एक लकड़ी मुझे मिल गई है और यहाँ पे एक ही थी है, इसको कहते हैं पड़ी हुई लकड़ी लेना। गाइस हम लोग लकड़ी ढूंढ रहे हैं, और नाजिम सुअर आ रही है भाग, अबे तो अपना ही सुअर है। लकड़ियां जमा करने की बात हुई थी, ये नहीं हुई थी कि बड़ी जमा करो या छोटी, रोड पे क्या बात हुई थी, हुआ तो था कुछ, इन लकड़ियां जमा करनी थी, ये नहीं बोला गया था कि बड़ी जमा करो या छोटी। अपार्टमेंट में जो ढेर था ना, ये कोई ढेर नहीं था, लकड़ियां जमा करने की साजिश थी, साजिश में शामिल। तो जितनी बड़ी लकड़ी ली है अब उतनी बड़ी लकड़ी लेगा, समझ रहे हो गाइस? ये वाली लकड़ी है जो ना, ये इन्होंने जमा की है, ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया था, अब ये लोग जा रहे हैं चेक पोस्ट के गेट पे। अल्लाह माफ करे, तूने ज़ूम इन किया, ऐसा लगा वेल के मुंह में घुसा दिया। म्यूजिक यहाँ से इनका रास्ता अलग हो जाएगा, हमारा रास्ता और हमारा रास्ता अलग हो जाएगा। आज के टाइम में बैग फोन अंदर रख लो यार, मलीर के आंटे ब्रो, अब ब्रो वाली बात हो गई, अभी हमारी लैंग्वेज में यार वैन नहीं आएगा। ओह माय गॉड ब्रो, वो यू गोइंग ब्रो, ब्रो गेंद निकालो, स्टार्ट करो ब्रो, ब्रो जल्दी ब्रो, मा इंजन जस्ट आई डोंट नो, मैं डबल सवारी लगी, प्लीज यू राइड, मैं डोंट नो के डबल सवारी लगी है, आई डोंट आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। भाई ये लोग आए कैंट, इनको अच्छे से पता है कि बगैर हेलमेट के ना यहाँ पे सीन ऑफ है, बगैर हेलमेट गए एमपी वाले ने इनको हाथ दिया, ये लोग उल्टे हाथ पे मुड़ गए। हम सीधा उन्होंने जैसे हमें हाथ दिया, हम यूँ निकल गए, हम तो उधर जा रहे थे। फिर हमने की चलाकी, यार आप हमारी ब्लॉग ना देखना, चलान यूट्यूब के थ्रू मारेगा ये। फिर हमने की थोड़ी सी चलाकी, हमने क्या किया, मैंने अपनी बाइक खड़ी की पार्किंग में, चाबी लगा दी उसमें, दिमाग से थोड़ा सा खेला, इधर चले इधर, दिमाग से थोड़ा सा खेला, मैंने अपनी बाइक खड़ी की, हेलमेट लेके गया, इनकी बाइक पे बैठा, मैंने बोला यार उनको मैं पैदल भेज दूंगा घर, आप टेंशन ना लो, मैं इनकी बाइक ले आऊँगा। बोलते हैं नहीं जा सकते यहाँ से। मैं इनके पास आया, इनसे बाइक की चाबी मांगी, इन्होंने बोला डायरेक्ट घर पता है किसी को, तो ले जाना 125। खैर मैंने इनकी बाइक पे बैठा, हेलमेट पहना, इनको पैदल भेजा,
क्रॉस हो गया, मैं ये भी क्रॉस हो गया। ये लोग उस बाइक के पास से गुजर ही रहते, इनको नहीं पता था कि मैंने चाबी लगाई हुई। मैं इनको बोला मेरी बाइक की चाबी ले, लगी हुई है, स्टार्ट करो, पीछे पीछे आ जा। और जैसे ही ये लोग निकले ना, पीछे से MPL ऐसे देख रहा था। अच्छा भाई, इतनी देर इंतजार करने के बाद आ गए ये लोग। कब से इंतजार कर रहे थे हम लोग। इस वक्त चल रही है खाने की अनबॉक्सिंग। 2000 years later. ऊपर आ चुके हैं, अब जल्दी कोई आग जलाने की तैयारी। लकड़ियां भी आ गई हैं, सही है, पेट्रोल भी आ गया है तकरीबन। और ये देख रहे हैं, इतनी डेंजरस जगह से हम लोग आए, और ये फात एक्सपेरिमेंट कर रहा है गत्ता फेंकने का, शायद नजर नहीं आ रहा आपको। पेट्रोल भी आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? अभी उसे गत्ता फेंक रहा है। तुमने तो ऐसी फाड़ी जैसे वो मेरी फाड़ के गई थी। और ये तला को सूली दे रहे हैं यार हम लोग। सूली चढ़ने वाले, ये मूर्ति वाला मेरे अंदर कर रहा है। मुझे लाइट मारने दो। ये पेट्रोल आ गया, पेट्रोल डल रहा है। ये लगा दी मैंने आग। ये यार ये आग वाग लग चुकी है, और अब हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि अब यहाँ हॉरर बातें की जाए। नॉट जरूरी नहीं है कि हॉरर हो, बट जरूरी नहीं है कि हॉरर हो। सिर्फ टॉपिक पे बात करें। पाकिस्तान के मईशी हालात कब ठीक होंगे? चल रही है और सीन ये, अभी वो कौन है? ऐसे जिंदा जैकेट टंगाई हुई है, सर कटा खड़ा हुआ वहाँ पे। एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि बस खत्म है लाइफ। यार ये रोड पे अच्छा जा रहे थे, तो अंधेरे में जहाँ तुमने बताया ना, जहाँ दुल्हन उल्हन दिखती है पीछे, तो वहाँ पे दिखी थी क्या चीज? कोई सफेद कपड़ों में, कोई सच में मजाक से हटके, स्क्रिप्टेड नहीं है भाई ये, ये डाल देना कैमरे पे, स्क्रिप्टेड नहीं है, मजाक से हटके कोई, मतलब वो कफन होता ना उसमें कोई खड़ा हुआ था। तो मैंने मास्क को बोला था आगे पीछे नहीं देखे, सीधा निकले वहाँ से जहाँ पर दिखती है यार पीछे खेत वाले रोड पे। खेत वाले रोड पे वहाँ पर मैंने देखी थी, तो सच में थी वो मजाक। तो उसके बाद कब भाग के घर आ गए थे तुम लोग? यार भाग के घर के आना, मैं हवाइयाँ उड़ गई थी, क्या देखी है फात भाई कह रहे हैं कि उनके साथ कभी कुछ हुआ नहीं है, मेरे साथ काफी कुछ हुआ, लेकिन मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं यूं ही में था अबुदाबी में, बनियास में, वहाँ पे हम लोग विला में रहते थे। वो सब ना पार्टीशन जो हुए होते हैं रेंट पे लेते हैं, हम लोगों का एक स्टूडियो फ्लैट था उस टाइम। बहुत भारी जगह है बनियास, मतलब वहाँ पे मशहूर बनियास क्या, वहाँ पे काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो मतलब कि दूर दूर घर बने हुए, अंधेरा होता है, कोई आता जाना इतना होता नहीं है, गाड़ियों में निकलते हैं बस, वैसे मस्जिद है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है। तो इशा का टाइम था, मेरी अम्मी गई हैं, उनकी दोस्ती हुमैरा इंडियन, वो बोलती मैं नमाज़ पढ़ रहा था इशा की घर पे, तो मैं नियत कर चुका था अम्मी से, वैसे नियत करते हुए बोलते हुए चले गई, मैं पतीली दे के आ रही हूँ हुमैरा को, तुम ना बस मैं आ रही हूँ दो मिनट में, बस ये बोल के चले गई। मैं नियत कर चुका, नियत बांध चुका, नमाज़ पढ़ रहा था। अच्छा पढ़ी मैंने, तीसरी रकत में था, तो मुझे ऐसा लगा मुझे कोई फॉलो कर रहा, मतलब मैं रुकू में जा रहा हूँ ना, तो कोई मेरा फॉलो ऐसा, अब मैं नीचे सजदे की तरफ जा रहा हूँ, तो ऐसा पीछे से पूरा शैडो दिख रहा है, कोई मेरे पीछे साथ सजदा कर रहा है। कई दफ़ा हिम्मत की पूरी नमाज तक मैंने कंप्लीट, आधी मुझे याद है कि मैं सलाम तक ले गया, उठा फिर नियत बानी, फिर मैंने पढ़ा। अच्छा अब मेरा दिमाग टोटल, दिमाग जो है ना टोटल पीछे की तरफ था कि कोई है। उबैद यकीन मान खुदाई कसम, रोंटे खड़े हो रहे हैं, अजान हो रही है, मैं इस दफ़ा नीचे रुकू में गया हूँ, और उसके बाद मुझे नहीं याद किया कोई वो चीज़ पीछे से घूम आई। और उसके बाद मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब ने बताया मेरे साथ क्या हुआ। उस टाइम इन किसी आलिम को बुलाया भी था, मेरे हाथ पैर मुड़े हुए थे, मेरी आंखें उल्टी थी, और मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ। हल बन चुका था, सही है, अब अजानें हो रही हैं, तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। सबने हॉरर स्टोरियाँ सुनाई अपनी, कुछ बहुत खतरनाक थी, कुछ थी ही नहीं, कुछ थी ही नहीं, कुछ बिल्कुल फारिक थी, सही है। दुल्हन देखी सफेद कपड़े। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।